अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक पे नबी के। सो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है वो है होंडा की न्यू प्राइस लिस्ट के ऊपर। होंडा ने फाइनली अपनी बाइक्स की प्राइस को बढ़ा दिया है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि अब होंडा जो है, होंडा के अलावा जितनी भी कंपनीज हैं, अपनी बाइक्स की प्राइस को बढ़ाएंगी, बाइक्स की प्राइस को कम नहीं करेंगे। और वही हुआ, होंडा ने अपनी प्राइस लिस्ट को चेंज किया है और प्राइस इंक्रीज़ कर दिए हैं तमाम बाइक्स की। होंडा CD70 से लेकर CB150 तक तमाम बाइक्स की प्राइस जो हैं वो चेंज हो चुकी हैं और इंक्रीज़ हो चुकी हैं। और अगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात की जाए तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है 1st of November, 1 नवंबर से आपको न्यू प्राइजेस मिल जाएंगी। सो गाइस, अब बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारी लिस्ट में जो फर्स्ट बाइक है वो है होंडा CD70। होंडा CD70 की जो लास्ट प्राइस थी वो थी 116,500 रुपये, 1,16,500 रुपीज़ इस बाइक की लास्ट प्राइस थी। और इस बाइक की प्राइस के अंदर 5,000 रुपये का इजाफा कर दिया है, और 5,000 के इजाफे के बाद इस बाइक की अब आपको जो न्यू प्राइस मिल रही है वो है 121,500 रुपये, 1,21,500 रुपीज़ इस बाइक की अब न्यू प्राइस है। इसके बाद हमारे पास जो बाइक है वो है होंडा CD70 ड्रीम। तो होंडा CD70 ड्रीम की जो लास्ट प्राइस थी वो थी 1,24,500 रुपये, 1,24,500 रुपीज़ इस बाइक की लास्ट प्राइस थी। और इस बाइक की प्राइस के अंदर 5,300 रुपये का इजाफा किया गया है, 5,300 के इजाफे के बाद इस बाइक की अब आपको जो न्यू प्राइस मिल रही है वो है 1,29,900 रुपीज़, 1,29,900 रुपये इस बाइक की न्यू प्राइस है। इसके बाद हमारे पास बाइक है होंडा प्राइडर। होंडा प्राइडर की जो लास्ट प्राइस थी वो थी 1,55,900 रुपये, 1,55,900 रुपीज़ इस बाइक की लास्ट प्राइस थी। और इस बाइक की प्राइस के अंदर इन्होंने 6,000 रुपये का इजाफा कर दिया है, और 6,000 के इजाफे के बाद इस बाइक की अब आपको न्यू प्राइस मिल रही है 1,61,900 रुपीज़, 1,61,900 रुपये इस बाइक की न्यू प्राइस है। इसके बाद हमारे पास जो बाइक है वो है होंडा CG125। तो होंडा CG125 की जो लास्ट प्राइस थी वो थी 1,79,900 रुपीज़, और इस बाइक की प्राइस के अंदर इन्होंने 6,000 रुपये का इजाफा किया है, 6,000 के इजाफे के बाद इस बाइक की अब आपको जो न्यू प्राइस मिल रही है वो है 1,85,900 रुपीज़, 1,85,900 रुपये इस बाइक की न्यू प्राइस है। इसके बाद हमारे पास जो बाइक है वो है होंडा CG125 का स्पेशल एडिशन वर्जन। तो होंडा CG125 SE की जो लास्ट प्राइस थी वो थी 2,10,900 रुपये, 2,10,900 रुपीज़ इस बाइक की लास्ट प्राइस थी। और इस बाइक की प्राइस के अंदर 8,600 रुपये का इजाफा कर दिया है, 8,600 के इजाफे के बाद इस बाइक की अब आपको जो न्यू प्राइस मिल रही है वो है 2,19,500 रुपये, 2,19,500 रुपीज़ इस बाइक की न्यू प्राइस है। इसके बाद हमारे पास जो बाइक है वो है होंडा CB125 F। होंडा CB125 F की जो लास्ट प्राइस थी वो थी 2,73,900 रुपीज़, 2,73,900 रुपये इस बाइक की लास्ट प्राइस थी। और इस बाइक की प्राइस के अंदर 10,000 रुपये का इजाफा कर दिया है, 10,000 के इजाफे के बाद इस बाइक की जो आपको न्यू प्राइस मिल रही है वो है 2,83,900 रुपीज़। इसके बाद हमारे पास जो बाइक है वो है होंडा CB150 F। होंडा CB150 F की जो लास्ट प्राइस थी वो थी 338,900, 3,38,900 रुपये इस बाइक की लास्ट प्राइस थी। और इस बाइक की प्राइस के अंदर 15,000 रुपये का इजाफा कर दिया है, 15,000 के इजाफे के बाद इस बाइक की जो आपको न्यू प्राइस मिल रही है अब वो है 3,53,900 रुपीज़, 3,53,900 रुपये इस बाइक की न्यू प्राइस है। इसके बाद हमारे पास इसी बाइक का स्पेशल एडिशन वर्जन आ जाता है। तो इसका जो स्पेशल एडिशन है ऑरेंज रिम्स के साथ, उसकी लास्ट प्राइस थी 3,42,900 रुपये, और इसके अंदर भी सेम 15,000 का इजाफा किया है, 15,000 के इजाफे के बाद इस बाइक की अब आपको प्राइस मिल रही है 3,57,900 रुपये। सो गाइस, ये थी न्यू प्राइजेस। और मैं एक दफ़ा दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, CD70 की न्यू प्राइस है 1,21,500 रुपये, CD70 ड्रीम की न्यू प्राइस है 1,29,900, प्राइडर की न्यू प्राइस है 1,61,900, 1,61,900 रुपये, CG125 की न्यू प्राइस है 1,85,900 रुपये। इसके बाद CG125 का जो स्पेशल एडिशन है उसकी न्यू प्राइस है 2,19,500 रुपये। इसके बाद है CB125 F, तो CB125 F की न्यू प्राइस है 2,83,900 रुपये, 283,900। इसके बाद है होंडा CB150 F, तो होंडा CB150 F की जो न्यू प्राइस है वो है 3,53,900 रुपये, और CB150 F का जो स्पेशल एडिशन है उसकी न्यू प्राइस है 3,57,900, 3,57,900 रुपये इसकी न्यू प्राइस है। सो गाइस, प्राइजेस का इंक्रीज़ आपके सामने है। मिनिमम जो इस बार इंक्रीज़ किया गया है वो है 5,000 रुपये, मैक्सिमम इंक्रीज़ किया गया है 15,000 रुपये। सो गाइस, जिस तरह के हालात चल रहे हैं प्राइजेस के,
मुझे लग रहा है कि अगले साल जुलाई या फिर अगस्त तक या फिर उससे पहले ही CD70 जो है वो आपका 1.5 लाख तक इजीली पहुंच जाएगा। अभी इसकी न्यू प्राइस 21 तक तो पहुंच गई है, और अगर दो दो महीने बाद भी ये प्राइसेस को इंक्रीज़ करें और इसी रेंज में करें तो आपकी जो बाइक की प्राइस है वो 1.5 लाख पे इजीली चली जाएगी और कम टाइम पे चली जाएगी। दो दो महीने तो नहीं करते ये एक्सटेंड, हर महीने ही आपको न्यू प्राइस मिलती है, लेकिन अभी लास्ट मंथ इन्होंने छोड़ दिया था और नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में इन्होंने प्राइस को इंक्रीज़ कर दिया है। और आगे एक्सपेक्टेशन यही है कि हर महीने ही प्राइस चेंज होगी। अभी नवंबर में चेंज हुई है, फिर दिसंबर में भी चेंज होगी, इसके अलावा जनवरी फरवरी, और इसी तरह प्राइस चेंज होती रहेगी। ये साल में एक दो बार ही करते हैं कि इन्होंने एक महीना स्किप कर दिया या फिर दो महीने स्किप कर दिया। फॉर एग्जांपल अगर इन्होंने जून में प्राइस बढ़ाई है तो जुलाई को स्किप करके अगस्त में प्राइस बढ़ा देंगे। ये कॉमन नहीं है, ये कभी कभी करते हैं इस तरह। और सिर्फ होंडा की बात नहीं हो रही यहाँ पर, यहाँ पर बाकी कंपनीज़ की बात हो रही है। बाकी कंपनीज़ भी कभी कभी इस तरह करती हैं कि महीना जो है वो एक्सटेंड कर देती हैं, जिस तरह यामाहा ने किया था। यामाहा ने भी एक महीना एक्सटेंड करके अगले महीने अपनी बाइक्स की प्राइस को इंक्रीज़ किया था। और जहाँ तक अभी सुजुकी की बात है तो सुजुकी की अभी तक कोई न्यू प्राइस लिस्ट नहीं आई। सुजुकी ने पिछले महीने मतलब दो महीने पहले जो प्राइस है उसको चेंज किया था, और अभी जो नवंबर का महीना चल रहा है इस महीने के अंदर प्राइजेस को सुजुकी ने चेंज नहीं किया। और अब मुझे लग रहा है कि नया इन्होंने बाइक लॉन्च कर दिया है तो इसके बाद नवंबर के स्टार्ट में जो प्राइजेस हैं सुजुकी उसको चेंज कर देगा। सो गाइज, हम बात कर रहे थे होंडा की, तो होंडा CD70 माशाल्लाह से आपका जल्दी 1.5 लाख का होने वाला है। और अभी की अगर प्राइस की बात करें, 21 में आपको क्या क्या मिल रहा है CD70 के अंदर, 21 में आपको कुछ भी खास नहीं मिल रहा, सब कुछ वही है, बस क्वालिटी जो है वो थोड़ी सी डाउन हो जाती है। आप बेशक, आपके पास अभी 2020 मॉडल अगर हो, आप होंडा के शोरूम पे चले जाएं, आप बेशक जाके चेक कर लें। और ख़ास तौर पे बेसिक पता तब लगता है जब बंदा बाइक को चलाता है। CD70 का 2023 मॉडल जो भी आया और आपके पास जो आपका 20 मॉडल है, आप दोनों को कंपेयर कर लें, आपको वाजे फ़र्क नज़र आ जाएगा कि इन दोनों बाइक्स में क्वालिटी का कितना डिफरेंस आ गया। और आपने जो 20 मॉडल लिया होगा वो कितनी कम प्राइस में लिया था उस टाइम पे, और अब 2023 मॉडल जो आ गया है, मतलब अब 2022 चल रहा है और 23 मॉडल आ गया है, तो अगर आप इस नए मॉडल को परचेज़ करें तो प्राइस का कितना डिफरेंस आ जाएगा बीच में, उसके साथ साथ आपको क्वालिटी का कितना डिफरेंस मिल रहा है। आप कहेंगे कि यार मेरा जो पुराना बाइक है वही इससे बेहतर है, मैं फिर नया बाइक क्यों लूँ, क्योंकि क्वालिटी जो है वो आपको काफ़ी डाउन मिल रही है। सो गाइस, ये थी बहरहाल मेरी आज की वीडियो। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को बाइक मैंने को लाजमी सब्सक्राइब करें। और हमारे जो फेसबुक पेज है उसको लाइक करें, हमारे फेसबुक पेज पे जो वीडियो है उसको लाजमी देखें, उसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।